हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहद खूबसूरत पौधे की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम सब अपने पास लाना चाहते हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसे इचीवेरिया कहते हैं। दोस्तों, सकुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसके किसी भी पार्ट में, लीफ में, स्टेम में या रूट में कहीं भी उसका खाना और पानी स्टोर होता है। जैसे इस प्लांट में, इचीवेरिया में, इसमें देखिए इसकी पत्तियां बहुत मोटी हैं और इसमें पानी स्टोर है और इसीलिए ये बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी फ्लेसी सी दिख रही हैं। और देखिए इसका रोजेट, इसको जो इसका फ्लावर वाला स्ट्रक्चर है इसे रोजेट कहते हैं हम, और इसी से इसकी खूबसूरती है। इसके पत्तियों का अरेंजमेंट इतना सुंदर होता है कि ये पत्तियाँ होते हुए भी एक फूल की तरह दिखती हैं, देखिए। और दोस्तों, इसमें मेरे पौधे में अभी फ्लावरिंग भी हुई है, देखिए मैं दिखाती हूँ इसे। और बहुत सुंदर लाल और पीले रंग का फ्लावर है ऐसे निकला हुआ, और ये करीब 8 दिन से निकला हुआ है फ्लावर। पर मैं पहली बार ये पौधा लगाई हूँ तो मुझे लग रहा था कि ये जो फ्लावर हैं ये पूरी तरह खिलेंगे, पर नहीं, 8 दिन हो गया है और ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही हैं। तो ये इतना ही खुलेंगे, इससे ज़्यादा इसके फ्लावर नहीं खिलेंगे। और देखिए ऐसे ग्रीन ग्रीन पौधे के बीच इतना कलरफुल सुंदर लग रहा है ये। दोस्तों, इस पौधे में फ्लावरिंग अभी गर्मी के मौसम में ही होती है। दोस्तों, इचीवेरिया प्लांट की 150 से ऊपर स्पीसीज होती हैं और बहुत सारे रंग में मिलता है यह पौधा, और इसके रोजेट भी बहुत भिन्न भिन्न आकार के मिलते हैं। देखिए मेरे पास इसकी 2 वैरायटी है, एक ये और एक ये। दोस्तों, ये पौधा हल्का ब्लू कलर का था इसका लीफ, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा है, पर ये अभी हम लोग के यहाँ 40 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है और इस वजह से इसकी पत्तियाँ थोड़ी, देखिए, ऐसे सूखने लगी हैं कहीं कहीं से। नहीं तो इसका कलर अलग था, पर अब पता नहीं ये पौधा इतनी गर्मी में बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। दोस्तों, इसके केयर की बात करें तो सबसे पहले इसके पॉट की बात करते हैं। इस पौधे को बिल्कुल छोटा पॉट दीजिए, जैसे देखिए मेरा इतना ही बड़ा ये पॉट है। 3 इंच 4 इंच से ज़्यादा का पॉट इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आप पॉट दीजिएगा उसमें एक बार पानी देने पर फिर वो पानी जब तक
सूखेगा नहीं तो ये आपके प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस पौधे में सकुलेंट में अपने आप पानी होता है, और जब पौधे में कम पानी होता है तो वो अपनी पत्तियों से ले लेता है, और उस समय अगर आप इसमें ज़्यादा देर तक इसमें पानी रहने देंगे और बड़ा प्लांट पॉट देंगे तो इसकी पत्तियां गलने लगेंगी। दोस्तों ये पौधा जब भी खराब होता है तो ज़्यादा पानी की वजह से खराब होता है, कम पानी की वजह से नहीं खराब होता है। इसमें जब भी मिट्टी का टॉप लेयर एकदम सूखा हुआ हो तभी हमको पानी देना चाहिए। जैसे देखिए मेरे इस पौधे में ये गीली है मिट्टी, तो इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, और ये पौधे की मिट्टी एकदम सूखी हुई है, इसको पानी की ज़रूरत है। तो सकुलेंट प्लांट में पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये पॉट की भी बात हो गई कि पॉट जब भी दें इसको छोटे साइज़ की दें, बड़े साइज़ की बिल्कुल भी नहीं दें। और दोस्तों इसको सनलाइट की बात करें तो इसको ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ आधे घंटे की या एक घंटे की धूप मिल सके, पर उससे ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए, या वैसे जगह पे रखिए जहाँ से इसको थोड़ा ब्राइट लाइट मिले या छन के धूप मिले, वैसे जगह पे ये अच्छा चलेगा। और अभी के मौसम में जब बहुत गर्मी पड़ रही है तब तो इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो देखिए इस तरह से ये मेरा पौधा ऐसे जगह पे है जहाँ छन के ही इसको धूप मिलती है, तब भी इसकी पत्तियाँ देखिए सूखी हवा और इतनी गर्मी की वजह से ऐसे इसकी पत्तियाँ जल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में इस पौधे को नहीं रखें। और दोस्तों जब भी इस पौधे में पानी दें आप, तो कभी भी इस रोजेट के ऊपर से नहीं दें, नहीं तो यहाँ पर जैसे ये रोजेट के टॉप पे वहाँ पर पानी रह जाएगा और वो पत्तियाँ धीरे धीरे गल जाएंगी। तो मैं इस पौधे में पानी देकर आपको दिखाती हूँ। देखिए जब भी दें तो कभी भी इसको ऐसे ऊपर से नहीं दें, जब भी दें तो ऐसे बिल्कुल नीचे से पौधे को पानी दें, और जब दें तो इतना दें कि नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाए, नीचे तक उसकी जड़ें भींग जाएं। और दोस्तों ये थी इसके केयर की बात इचिवेरिया के। ये बहुत सुंदर प्लांट है, इसको अपने गार्डन में जगह दें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय फ्रेंड्स।